कनाडा वीजा प्रोसेसिंग टाइम एंड वीजा ट्रेंड क्या है, स्टडी परमिट के जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, स्टडी परमिट में कैसे रिफ्यूजल आती है, क्यों रिफ्यूजल आती है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे पुनीत सर के साथ। ठीक है, मैं दीक्षित शर्मा फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी परमिट के बारे में, जितने भी हमारे माइंड में इसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आज सारे हम सर से डिस्कस करेंगे। हाँ जी सर। नमस्कार दोस्तों। सब तो पहला क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आज हमारे बायोमेट्रिक हो गए एंड हमारा रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम आपका स्टार्ट कब होता है जब आपका एक एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिटेड होती है, वो कब होती है, जब आप अपने बायोमेट्रिक प्रोसेस के साथ डन हो जाते हो। आपका एसटीएस है, करंटली एसटीएस का अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम बताऊं तो 20 दिन अराउंड आपका रिजल्ट आ जाता है। फ्यू एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जिनका रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आता, उनका टाइम लग जाता है, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस चल जाता है, उनमें कोई क्वेरी होती है वीजा ऑफिसर की। फॉर एग्जाम्पल आपने फंड शो किया उसकी है, या जॉब लेटर आपने एड ऑन किया तो उसकी है। सो आप मान के चलिए कि आपका 10 से 20 दिन में आपका एसटीएस अगर आपकी फाइल है तो उसका रिजल्ट आ जाता है। सो नॉन एसटीएस की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसका प्रोसेसिंग टाइम बताऊँ तो उसका एसटीएस से कम रहता है हमेशा, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है। सो करंटली नॉन एसटीएस पीटी पे जो फाइल लगती है उसका 3 3 4 4 दिन में भी हमें वीजा देखने को मिला है। सो फर्दर अब हम बात करते हैं वीजा ट्रेंड की। वीजा ट्रेंड सर हमारे साथ, इनको बहुत कॉल्स आती हैं, जब भी कॉल आती है तो जगशीर सर पिक करते हैं ऑफिस में, एंड इन्होंने मुझे बताया कि यार एक वीडियो बनानी चाहिए वीजा ट्रेंड पे, स्पेशली स्टडी परमिट पे, कि काफी लोग पूछते हैं कि मेरी फाइल जे है, मेरी 10th में इतने नंबर है, 12th में इतने नंबर है, जे मेरा पोस्ट सिलेक्शन कैसा है, प्रोग्राम मैंने जे लिया है एंड बैंड रिक्वायरमेंट जे है, तो क्या इस प्रोफाइल का वीजा आ सकता है। सो आपको मोटा मोटा वीजा ट्रेंड हम करंट का जो डेट है उसका इस वीडियो में बताएंगे। अब प्रोसेसिंग टाइम आपने देख लिया, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताया। देखो, जो मेन मेरे पास क्वेरीज आती हैं, जो मेन मेरे पास कॉलर्स की जो क्वेरीज आती हैं, उनका सबसे जो मेन फंडा रहता है वो रहता है रिफ्यूजल्स। उसका रीजन कोई भी रहे, कोई भी रीजन हो, अगर रिफ्यूजल आती है तो स्टडी परमिट में क्यों रिफ्यूजल इतना हमें देखने को मिलता है, और इसे हम कैसे हम इसे सुधार सकते हैं। तो स्टडी परमिट सबसे पहले क्या होता है कि रिजेक्शन लेटर आता है, उस पर तो सर लिखा होता है कि यू विल नॉट लीव कैनेडा। बिल्कुल सर। अब चाहे आपके 8 बैंड वाले की रिजेक्शन आई है, चाहे 6 बैंड वाले की रिजेक्शन आई है, चाहे 80% वाले की रिजेक्शन आई है, चाहे 50% वाले की रिजेक्शन आई है, तो सबका क्या लिखा होता है, यू विल नॉट लीव कैनेडा, या प्रपोज स्टडीज, या फिर योर पर्पस इज नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्पररी स्टे गिवन इन द एप्लीकेशन। सो ये चीज लिखी होती है। सर आप मेरे साथ रहे हो, हमने जो करंटली ट्रेंड का, जो करंटली क्या मैं कहूंगा 6 7 महीने से पिछला क्या है, 50% वालों का हमने वीजा देखा है, 90% वालों की बिल्कुल सर, रिजेक्शन देखी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो अब इसका पीछे का रीजन क्या है, जब बच्चे कह देते हैं कि सर मेरी मेरा जो फ्रेंड था हमने साथ में प्लस टू की, बिल्कुल हम उसके उसके 6 बैंड थे, ओवरऑल 6 इंच थे, और मेरे 6.5 थे, मेरी रिफ्यूजल आ गई, सेम प्रोग्राम था उसका वीजा आ गया, अब इसमें क्या दिक्कत है। तो एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल हम आप 2 साल का प्रोग्राम करने जा रहे हो, सो उसके फादर जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं वो उसकी जो इनकम है बोला गया, आपकी जो फाइनेंशियल इनकम जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो उसकी अलग है, वो एग्रीकल्चरिस्ट है, आपका बिजनेस है, तो उनकी उनके क्या पता उनकी मदर की भी आईटीआर भरी हो, तो वो आप देखो कि उसकी आईटीआर काउंट हो गई सर। एक फादर है, फादर की इनकम कितनी है, 4,50,000, ठीक है जी, इतनी ही सेम मदर की है, 4,50,000, अब कितनी होगी, डबल हो गई, 9 लाख हो गई। और दूसरी एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, उसमें अकेली फादर की है, हाफ ऑफ का फर्क हो गया, हाफ ऑफ का फर्क हो गया। बिल्कुल सर। तो वीजा ऑफिसर कहता है कि चलो माना आपने 1 साल की फीस भर दी, आपने 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस जीएसटी शो कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर का क्या ना, तो हम सुन लीजिए जी आप प्लीज, जो आपका फाइनेंस आपने जो शो करना है वो प्रॉपर वे से शो करना है आपने फाइनेंस, ठीक है, आपकी चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप जॉब करते हो, जो आपने इनकम दिखानी है वैसी को वो एक प्रॉपर स्टिक होनी चाहिए। अब बात आती है कि वहां पे तो लिख के आ गया रिजेक्शन लेटर पे यू विल नॉट लीव कैनेडा। अब केप स्टोन जब हम निकालते हैं, केप स्टोन अगर तो कोई जेन्युइन कंसल्टेंट है ना, वो तो आपको कहेगा कि केप स्टोन पहले आप अप्लाई करो, आपको पता लगेगा। जब केप स्टोन हम सब रीड करते हैं वहां पे क्या लिखा होता है, वीजा ऑफिसर लिखता है आई हैव रिव्यूड आईटीआर जीआईसी ट्यूशन पेड रिसिप्ट, ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि स्टूडेंट के पास रेडली फाइनेंस है। एसटीएस में जे रिफ्यूजल्स हमें देखने को मिलती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अभी जो रिसेंटली चिराग का वीजा है हमारे पास,
इसका भी सेम प्रोग्राम हमने लगाया, सेम डॉक्यूमेंट हमने लगाए, सारी चीजें सेम की, बट इसमें फर्क क्या था? उसको बताया कि एक तो कवर लेटर जो स्टडी प्लान होता है, स्टडी प्लान पे भी सर एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टडी प्लान एक तो हमें समझ नहीं आया आपका, ठीक है, जो मतलब क्या है कि कवर लेटर आपने जो एड ऑन किया वो हमें पता नहीं चला। सेकेंड बात क्या आ गई कि आपके पास फाइनेंशियल इतना नहीं है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि हमने उनको कहा कि आप अपने जितनी भी ज्यादा से ज्यादा इनकम शो कर सकते हो बुक करो, ज्यादा से ज्यादा फंड शो कर सकते हो करो, और जो उसकी कवर लेटर थे एसओपी थी मैंने बनाई। सो वीजा उसका आ गया, 10 दिन में वीजा है उसका। उनकी वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आपने शायद देखा भी होगा, जो हमने उनके साथ एक छोटा सा प्रैंक भी किया था जब वीजा आया था उनके साथ। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो ये आपका क्वेश्चन कहीं पे भी रहता, आप अपनी फाइल कंपेयर मत कीजिए किसी दूसरे के साथ, सिर्फ अपना देखिए कि आपकी फाइल में क्या कोई कमी तो नहीं थी। अब ये तो था सर फाइनेंशियल का, ये तो हो गया सर फाइनेंशियल का, ठीक है। एक सर और चीज है, जैसे देखो मेरे पास मैं सारा दिन कॉल रिसीव करता हूँ, ठीक है, तो एक सर जो कोर्स सिलेक्शन होता है कि जो मैंने कोर्स सिलेक्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू माय प्रीवियस स्टडीज, क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है, ये रेलिवेंसी और इररेलिवेंसी क्या है? सर रेलिवेंसी क्या हो गया, देखो मैं आपकी बात समझता हूँ। कनाडा में क्या है ना कि लोग कहते हैं कि ये आपका प्रोग्राम रेलिवेंट हो, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है जहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपके पास एक कंप्यूटर की डिग्री है, ठीक है सर, ठीक है जी, आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है, उसके बाद आपके पास क्या है, दो साल का आपके पास एक्सपीरियंस है कंप्यूटर सिस्टम का, एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है। अब रेलेवेंट क्या हुआ, अब जो कंसल्टेंट होगा वो कहेगा आपको आपके पास 2 साल का कंप्यूटर एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है, आपको कंप्यूटर एनालिटिक्स प्रोग्राम दे देते हैं, रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, आप बताइए वीजा ना चाहिए? तो मैं कहता हूँ उसका 100% वीजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रेलेवेंसी तो है बट सुपीरियरिटी नहीं है। अब कितनी जैसी अब वो वीजा सर कहता है कि अब जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर डूइंग करंटली, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आज कर रहे हो, तो जो आप प्रोग्राम आपने ऑप्ट किया है उसमें भी आप सेम चीजें ही सीखोगे, तो इसमें आपकी जो कैरियर है इसमें कोई इंक्रीज नहीं आएगा, आपका बिल्ड नहीं होगा। आप आज भी अगर जिस स्टेप पे हो तो नेक्स्ट डे भी आप ये स्टडी करके आके वहीं पर रहोगे, आपकी जो 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाएगी। तो रेलिवेंसी के पीछे सर इतना नहीं बात। चलो आज हमने सर से ये बात की, कोर्स सिलेक्शन की बात की, रेलिवेंसी की बात की, रेलिवेंसी की बात की, और मेन चीज जो आपने ध्यान दिया होगा कि स्पिरिटी कोर्स में होनी चाहिए, रेलिवेंसी हो ना हो वो बात की बात है, ठीक है, स्पिरिटी होनी चाहिए। सर एक चीज और है, फाइनेंशियल का वैसे हमने डिस्कस कर लिया, बट हमें एक चीज और बता दीजिए कि जो फंड्स होते हैं, जो मतलब स्टडी वीजा हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो फंड्स हम शो करते हैं वो कितना होना चाहिए सर? फंड्स लाइक आप 2 साल का प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, ठीक है सर, आपने कैलकुलेट करना है जी, आपने 1 साल की फीस भर दी कितनी है, लाइक समथिंग अराउंड 10 लाख है, ठीक है जी, आपका 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस कितना है एज पर IRCC रिक्वायरमेंट, 10,000 GIC, ठीक है, 1 साल का आपने फीस भी भर दी, 1 साल का GIC भी भर दिया। अब नेक्स्ट ईयर का सर, अगर तो आपके आप लगा रहे हो ITR अपने फादर की 4,95,000, तो उसका क्या मतलब है कि आपने लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक भी रुपया फंड का नहीं शो किया, लाइक कह देते हैं कि एसटीस में क्या रिक्वायरमेंट है, कोई सीए रिपोर्ट नहीं डालता, कुछ नहीं डालता, तो वहां पे वीजा ऑफिसर कहेगा कि आपका एक साल का खर्चा कितना आ रहा है, 17 लाख आ रहा है खर्चा, ठीक है, इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंसेस एंड आपकी फीस 17 लाख खर्चा, बट आपके फादर की इनकम कितनी है, 5 लाख, तो वहां पे क्या बाकी 12 लाख जस्टिफाई नहीं हो पाया सर, जस्टिफाई नहीं हो पाया, तो उसमें सर अगर आप 5 लाख फादर की इनकम है तो वो ये थोड़ी कहेंगे 5 लाख पूरा कमा के ही देंगे, हाँ इधर देंगे, घर पे भी एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। सो दैट्स वाई आपने अपनी नेक्स्ट ईयर की फीस अपने अकाउंट में शो करो, चाहे रिश्तेदारों से पकड़ के करो, चाहे जैसे भी करो, अपने नेक्स्ट ईयर की फीस शो करो, साथ में मदर और फादर की ITR लगाओ, ये शो होगा कि आपका लिविंग एक्सपेंसेस आपके पास इतना करंटली है और लिविंग एक्सपेंसेस आपके मदर फादर कमा के आपको वापस वहां पे भेजेंगे, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि 10 लाख हमारी 1 साल की फीस और 6 से 7 लाख खर्चा लिविंग एक्सपेंसेस हो गया, 17 से 20 लाख आपने अपने अकाउंट में शो करने हैं, उससे अलावा जो आप 1 साल की फीस और ये ऐसी भर के जा रहे हैं, ठीक है ना सर? हाँ जी। सो इसमें जो हमने ये वीडियो निकाली है, ये 2 बहुत ही मेन क्वेश्चन थे जो सर मेरे साथ डिस्कस करते थे डेली, क्योंकि क्यूरी आती थी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, फोन करना है, पिक होगा जी शर्मा सर से, आपने अपना क्वेश्चन बताना है। सो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि उस क्वेश्चन के विषय पे हम बात करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको गाइड करें। वी आर अप्रूव्ड, ठीक है, हमारे पास लाइसेंस है,
जब भी आपने कहीं से भी अप्लाई करवाना है, देखना है कि पहले द कंसल्टेंट होल्डिंग लाइसेंस और नॉट, ठीक है, हम अप्रूव्ड लाइसेंस होल्डर है, ताकि हमें जो अपने एक्सपीरियंस, ठीक है, अपनी अपनी नॉलेज जो हम डेली केप्स अप्लाई करते हैं, डेली इतना सारा कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, तो उससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका, फोन करें या फिर कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत नहीं भूलना। फेसबुक है चाहे आपका यूट्यूब है, आपने इसको फॉलो या सब्सक्राइब करना ही करना है। सो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।